आप देख रहे हैं जेएमडी न्यूज़, मैं हूं नंदिनी लाक्षकार। खबरों की ओर बढ़िए उससे पहले डालेंगे नजर इस वक्त की सुर्खियों पर। काशी में आज से प्रवासियों का महाकुंभ, सीएम योगी युवा व्यवसायियों में भरेंगे प्रेरणा, दूसरे दिन राष्ट्रपति और पीएम करेंगे शिरकत। पौष पूर्णिमा का पुण्य स्नान आज, कुंभ में दूसरे शाही स्नान के मौके पर दिखा आस्था का सैलाब, संगम तट पर कल्पवास शुरू। कांग्रेसी पार्षदों ने भोपाल लोकसभा सीट से जीत का निकाला फॉर्मूला, बीजेपी को हराने के लिए करीना कपूर को चुनाव लड़ाने की पेशकश। और इसी बीच बड़ी खबर कन्नौज से, जहां अज्ञात वाहन की टक्कर से बाइक सवार युवक हुआ घायल। बड़ी खबर कन्नौज से, अज्ञात वाहन की टक्कर से बाइक सवार युवक गंभीर रूप से हुआ घायल। घटनास्थल पर पहुंची पुलिस ने घायल बाइक सवार को सरसैया अस्पताल में कराया भर्ती। इलाज के दौरान घायल युवक की हुई मौत। घटना छिबरामऊ कोतवाली क्षेत्र के सिकंदरपुर चौकी गांव करमुल्लापुर चौराहे की। बड़ी खबर कन्नौज से, अज्ञात वाहन की टक्कर से बाइक सवार युवक की मौत। और इस खबर पर बात करने के लिए हमारे संवाददाता विवेक दीक्षित हमसे जुड़ चुके हैं। जी विवेक, जानना चाहूंगी क्या कुछ रहा ये पूरा मामला। बिल्कुल, बता रहे हैं कि बहुत बहुत शुक्रिया मैं अपडेट करने के लिए। बड़ी खबर आपको कन्नौज से दे रहे हैं, जहां अज्ञात वाहन की टक्कर से बाइक सवार की मौत हो गई। आपको बता दें घटनास्थल पर पहुंची पुलिस ने घायल युवक को अस्पताल में भर्ती कराया, लेकिन इलाज के दौरान युवक की मौत हो गई। घटना छिबरामऊ कोतवाली क्षेत्र के सिकंदरपुर चौकी गांव करमुल्ला चौराहे की। कानपुर के गोविंद नगर में भारतीय जनता पार्टी ने युवा कायस्थ खिचड़ी भोज महोत्सव का आयोजन किया। इसमें विशिष्ट अतिथि के रूप में कैबिनेट स्वास्थ्य मंत्री उत्तर प्रदेश चित्रांश सिद्धार्थनाथ सिंह शामिल हुए। युवा कायस्थ महासभा के वार्षिक उत्सव में कानपुर शहर के अलावा आसपास के कस्बों व जिलों से भी लोग आए। 12 वर्ष पूरे होने पर युवा कायस्थ महासभा को सभी लोगों ने बधाई दी। वरिष्ठ अतिथि के रूप में आए कैबिनेट स्वास्थ्य मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह ने जब पूछा गया कि कानपुर दक्षिण इतना बड़ा होने के बावजूद भी कोई भी बड़ा अस्पताल नहीं है, इस पर उन्होंने जल्द ही सुविधा मुहैया कराने की बात कही। साथ ही जब पूछा गया कि भारतीय जनता पार्टी के एक विधायक के द्वारा बसपा सुप्रीमो मायावती पे जो टिप्पणी की गई क्या वो सही है, इस पर उन्होंने कहा कि वो टिप्पणी गलत है और भारतीय जनता पार्टी ऐसा करने के खिलाफ है। महासभा का आज कार्यक्रम जो खिचड़ी वार्षिक एक कार्यक्रम होता है उसमें मैं आया हूँ और एक तरह से परिवार के बीच में आया हूँ, परिवार के लोगों से सबसे मिला हूँ। कुछ अच्छे कार्यक्रम भी मैंने देखे हैं और उन कार्यक्रम को देखते हुए और युवाओं के देखे हैं, बच्चियों के देखे तो बहुत आनंद आया। कानपुर के लाला लाजपत राय अस्पताल में लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन प्लांट चालू होने वाला है, जिसमें 2 वेसल के प्लांट अस्पताल को मिल गए हैं। प्राचार्य डॉक्टर आरती लाल चंदानी ने बताया कि 3 के लिए प्रस्ताव भेजा था, जिनमें 2 की मंजूरी मिल गई है, जबकि मेडिकल कॉलेज से संबद्ध कैंसर अस्पताल व कार्डियोलॉजी में सिस्टम चालू है। साथ ही मुरारी लाल चेस्ट अस्पताल को इंस्टीट्यूट बनाने की जिम्मेदारी भी दी जा रही है।
पूरे स्टेट में बहुत सारी चीजों में नंबर वन है। कई चीजें तो जहाँ शुरुआत भी नहीं हुई हमारे यहाँ हो गई है। एक तो सबसे बड़ी चीज है और सबसे अच्छा ये डेवलपमेंट है कि हमारे लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन प्लांट दो जगह का चालू हो जाएगा अभी एक वीक के अंदर, क्योंकि उसमें सबसे डिफिकल्ट होता है कि पूरा स्टेप्स के थ्रू इंस्टॉलेशन करना, वेरियस स्टेप्स में बहुत बड़ी जगह चाहिए होती है और इंस्टॉलेशन के बाद उसकी देखरेख होनी चाहिए, तब उसका लाइसेंस मिलता है पैसों से, पेट्रोलियम एंड एक्सप्लोसिव डिवीजन से, ऑर्गेनाइजेशन से ये मिलता है। वो हमें मिल गया है लाइसेंस दो वेसल का। ये बहुत ह्यूज ऑक्सीजन प्लांट के वेसल्स होते हैं, 10,000 लीटर कैपेसिटी होती है करीब, और हमारे सबके यहाँ तो एक एक सेंक्शन हुआ, हमारे यहाँ तीन हुआ। बड़ा आदमी बनने का सपना देखने को कानपुर देहात में दो नव युवक अवैध शराब माफिया बन गए। पकड़े गए युवक अवैध नकली शराब बनाकर शराब के ठेकों में सप्लाई करने लगे और अवैध शराब की सूचना पर पुलिस ने दोनों नव युवकों आरोपियों को धर दबोचा। पकड़े गए आरोपियों ने जल्द ही बड़ा आदमी का बनने का सपना देख रहे थे। कानपुर देहात के रूरा थाना क्षेत्र के सिठमरा में सरकारी शराब ठेका पर सेल्समैन अभय और निखिल अवैध नकली शराब की बिक्री किया करते थे। अभय बतौर सेल्समैन की नौकरी करता था, लेकिन अभय और निखिल के शौक बड़े थे, इसलिए दोनों को शराब के ठेके से ईमानदारी से खर्च नहीं चल पाता था, तो दोनों ने योजना बनाकर बड़ा आदमी बनने के सपने देखे और अवैध धंधे में जुट गए। देसी शराब का तो उसी के सेल्समैन और जिसके नाम ठेका था उसकी लड़की को गिरफ्तार किया गया। ये उसके साथ कुल 42 अदद पेटी मिस्टर इंडिया ब्रांड, 21 अदद पेटी माधुरी ब्रांड, 5 अदद पेटी PKI ब्रांड, कुल 68 पेटी जो है शराब जो है क्वार्टर पर बरामद किया गया। और जब उसकी जांच की गई एक्साइज टीम के माध्यम से तो ज्ञात हुआ कि जो है इस पर रैपर लगा हुआ है वो रैपर नकली है, फर्जी है। थाना बर्रा नवस्ताना सुभाषित के सनी नाम का व्यक्ति है, वो सप्लाई करता था, वहाँ से ले आता था और यहाँ अपने जो है जो ठेके की दुकान थी वहाँ रख करके बेचता था। 20 लाख कीमत है अंतरराष्ट्रीय बाजार में। और इसी बीच बड़ी खबर बाराबंकी से, जहां मादक पदार्थों को लेके खिलाफ पुलिस की मुहिम का असर देखने को मिला। बाराबंकी से बड़ी खबर, मादक पदार्थों के खिलाफ पुलिस की मुहिम का दिखा असर। अवैध 200 ग्राम मॉर्फिन की बरामद। हैदर अली नामक एक तस्कर किया गया गिरफ्तार। 20 लाख रुपए के अंतरराज्यीय कीमत की है मॉर्फिन। जैतपुर थाना क्षेत्र के टिकड़ा मोड़ की एक घटना, जहां 20 लाख रुपए की अंतर्राष्ट्रीय कीमत की मॉर्फिन बरामद की गई। बाराबंकी से बड़ी खबर हम आपको दे रहे हैं, जहां मादक पदार्थों के खिलाफ पुलिस की मुहिम का असर सामने आया है। आपको बता दें अवैध 200 ग्राम मॉर्फिन बरामद की गई। और इस पर हैदर अली नामक एक तस्कर भी गिरफ्तार किया गया है। बता दें कि 20 लाख रुपए की अंतर्राष्ट्रीय की कीमत की है ये मॉर्फिन, जो कि जैतपुर थाना क्षेत्र के टिकड़ा मोड़ के पास पाई गई। और इस खबर पर हमसे बात करने के लिए हमारे संवाददाता सत्येंद्र वर्मा हमसे जुड़ चुके हैं। जी सत्येंद्र, जानना चाहूंगी जिस तरह से मुहिम का भी असर सामने आया है और 20 लाख की कीमत बताई जा रही है इस मॉर्फिन की, क्या कुछ बताएंगे आप हमें? जी मैं बिल्कुल बताना चाहूंगा। मामला बाराबंकी के जैतपुर कोतवाली थाना क्षेत्र का है, जहाँ पे पुलिस वाहन चेकिंग के दौरान एक युवक को संदिग्ध अवस्था में देखता है और वो युवक पुलिस को देखते ही जो है भागने लगता है। पुलिस जो है इसमें जो है उसको पीछे से दौड़ा कर जो उसको पकड़ती है, तो उसके उसकी तलाशी ली जाती है। तलाशी लेने के बाद जब उसके पास जो है 3 मोबाइल और 200 ग्राम मॉर्फिन बरामद होती है। जी, क्या कुछ पूछताछ में अब तक सामने आया, पुलिस का क्या कुछ कहना है, कितना बड़ा जाल हो सकता है ये और कितनी सफलता अभी मिलने की संभावना और दिखाई मालूम दे रही है? जी बिल्कुल, बताना चाहूंगा कि पुलिस ने जो युवक गिरफ्तार किया है उसको उससे जब पूछताछ किया उसने बताया कि जो है वो एक उनको जो है
पैसे देकर जो उनसे काम कराया जा रहा था, लेकिन उसने जो है अभी किसी का नाम नहीं लिया है, कहाँ से ला रहा था, किसने दिया है, ये अभी नहीं बता पाई जी। बहुत बहुत शुक्रिया, नजर बनाए रखिएगा इस खबर पर। आपको बड़ी खबर बाराबंकी से दे रहे हैं, जहां मादक पदार्थों के खिलाफ पुलिस की मुहिम का असर दिखा है। आपको बता दें अवैध 200 ग्राम मॉर्फिन बरामद की गई है और हैदर अली नाम का एक तस्कर भी गिरफ्तार किया गया है। 20 लाख रुपए की अंतर्राष्ट्रीय कीमत बताई जा रही है इस मॉर्फिन की, जो की जैदपुर थाना क्षेत्र के टिकरा मोड़ के पास बरामद की गई। और इधर रविवार को कानपुर के सर्किट हाउस में आए चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री सिद्धार्थनाथ कोलकाता में हुई ममता बनर्जी की रैली को लेकर जमकर बोले। उन्होंने पत्रकारों से मुखातिब होते हुए कहा कि कलकत्ता के अंदर राजनीतिक खिचड़ी बनी है। विपक्षी पार्टियों के गठबंधन पर कहा कि 2019 के लोकसभा चुनाव में 56 इंचेस वर्सेज खिचड़ी के बीच मुकाबला है और 56 इंचेस की वजह से ये पार्टियां ही एक हुई हैं। वहीं उन्होंने मोदी जी की चुनावी एक्सपायरी डेट 2024 बताई, हालांकि वो बाद में इस पर सफाई भी पेश करते नजर आए। गठबंधन में पीएम की कुर्सी पर कौन जाएगा, इसके लिए सोमवार से शुक्रवार तक के दिन सभी पार्टियों के अध्यक्षों को दे डाले। साथ ही कांग्रेस को लेकर कहा कि राहुल को शनिवार व रविवार को पीएम बनाएंगे, उन्होंने वैसे भी कोई काम नहीं किया है। वहीं बीजेपी विधायक साधना सिंह के बयान पर सफाई पेश करते हुए कहा कि उनसे सहमत नहीं है। वहीं विहिप के बयान पर भी वो कुछ भी बोलने से बचे। खिचड़ी फ्रंट है, उसको कल हम लोगों ने देखा और ये वही पार्टियां हैं जो ताने मारती थी कि मोदी जी 56 इंच कहां है। अब ढूंढते थे मोदी जी 56 इंच तो दिखाओ, मगर मोदी जी के 56 इंच के सामने ये सबको एक साथ ही आना पड़ गया और ये अभी भी मिलकर 56 इंच नहीं बन पा रहे हैं। और विशेष रूप से कहीं कल का हम हाल देखें तो ये दिखता है कि इनमें से प्रधानमंत्री कौन बनेगा इसका निर्णय नहीं है। उन लोगों ने कहा है कि हम चुनाव के बाद प्रधानमंत्री बनाएंगे या चुनेंगे, लेकिन जब इन्होंने ये कहा है तो कुछ सवाल उठ जाते हैं और जो सवाल हैं वो ये उठते हैं, अलग अलग पूछ लेता हूं मैं। अखिलेश यादव जी से पूछ लेता हूं कि अखिलेश जी आप मायावती जी को बनाएंगे या मुलायम सिंह यादव को बनाना चाहेंगे। और यहां पर रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। कुछ भी खाते हैं इनके तन को लगता ही नहीं। इन्हें एनर्जिक 31 दीजिए। एनर्जिक 31? जी हाँ, तंदुरुस्ती और ताजगी के लिए एनर्जिक 31 कैप्सूल।
सर्व जातीय 16वां सामूहिक विवाह समारोह का भव्य आयोजन, जहां होगा 51 बहनों का शुभ विवाह। 3 फरवरी 2019 रविवार को प्रातः 9 बजे से सायं 5 बजे तक मोतीझील लॉन कानपुर में आप सभी सादर आमंत्रित हैं। आयोजक श्री सुनील ब्रह्मचारी, जय बाबा योगेश्वर सेवा समिति। कानपुर में सभी ब्यूटीज और टियरीज के लिए सिंघम फिल्म्स लेकर आए हैं एक सुनहरा मौका, दीवा क्राउन 2019। ऑडिशंस 20 जनवरी सुबह 11 बजे से शाम 5 बजे तक एट केडी पैलेस कानपुर। जानकारी के लिए संपर्क करें इन नंबर्स पर। इंडियन हिस्ट्री में पहली बार डेन का डिजिटली महाअवतार, अब आपके मोबाइल में होगा मनोरंजन का अनोखा संसार। गूगल प्ले स्टोर या iOS से डेन टीवी प्लस डाउनलोड करें और अपने मोबाइल को बनाएं चलता फिरता ऑन डिमांड टीवी। ढेर सारे चैनल्स, मूवी ऑन डिमांड, नॉनस्टॉप न्यूज एंड म्यूजिक, मींस फुल एंटरटेनमेंट, कुछ भी कहीं भी। जब आपके मोबाइल में होगा डेन टीवी प्लस, फिर तो ऐश ही ऐश है बस। आप आप सभी का स्वागत है। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। कानपुर में 12 साल पहले ट्रांसपोर्टर पिता की हत्या के मामले में कोर्ट ने आरोपी दोनों बेटों व रिश्तेदारों समेत 8 अभियुक्तों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। कोर्ट ने उन पर 20,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया है। वहीं 7 आरोपियों को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया है। आपको बता दें कि नौबस्ता के शंकराचार्य नगर के रहने वाले जगत बली यादव ट्रांसपोर्टर थे और ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन की कार्यकारिणी में पदाधिकारी भी थे। 6 सितंबर 2007 की रात तकरीबन 8 बजे वो घर जाने के लिए स्कूटर स्टार्ट कर रहे थे। उसी वक्त स्कॉर्पियो से आए शूटरों ने उनके सिर से सटाकर गोली मारकर हत्या कर दी। आनंदपुरी चौकी के पास हुई घटना की रिपोर्ट बेटे अजय यादव ने बाबूपुरवा थाने में दर्ज कराई थी। तत्कालीन बाबूपुरवा इंस्पेक्टर जयराम सिंह ने 5 आरोपियों मयंक तिवारी, अमित यादव काले उर्फ उदय भान, गोपाल यादव और दीपक जादौन को गिरफ्तार कर जेल भेजा था। कोई भी चश्मदीद गवाह नहीं था, बल्कि मामले को सर्विलांस के जरिए पर्दाफाश किया जाना दिखाया गया था। 5 आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट लगने के बाद मृतक की दूसरी पत्नी मालती देवी ने तत्कालीन एसएसपी को प्रार्थना पत्र दिया और मुकदमे की वादी और मृतक के बेटे अजय पर शक जाहिर किया। इसके बाद एसओजी को जांच सौंपी गई। एसओजी ने सर्विलांस पर आरोपियों के फोन टैप किए, जिसके बाद हत्या की असलियत सामने आई। एसओजी ने जांच रिपोर्ट और साक्ष्य एसएसपी को सौंपे, जिसके बाद 20 नवंबर 2007 को इस मामले की जांच तत्कालीन स्वरूप नगर इंस्पेक्टर वीपी सिंह को सौंपी गई। 6 दिन की विवेचना में 26 नवंबर को उन्होंने मुकदमे के वादी और मृतक के बेटे अजय यादव, भाई विजय यादव, दिलीप पांडे, महातम यादव, ब्रह्मदेव, कबीर अंसारी और जयराम को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। विवेचक ने चकरकटी बस अड्डा से घटना में प्रयुक्त स्कॉर्पियो कार भी बरामद की थी। हत्या हुई थी ट्रांसपोर्टर की। ट्रांसपोर्टर थे मिस्टर जली जगत बली यादव। तो हत्या के बाद उनके एक बेटे ने अज्ञात हमलावरों के खिलाफ मुकदमा लिखाया। 2-3 दिन बाद कुछ लोगों को शक हुआ कि ये गलत हो रहा है, तो उन्होंने कप्तान से शिकायत की कि जिसने मुकदमा लिखाया हमें शक है कि इसी लड़के ने ही अपने भाई के साथ मिलकर हत्या कराई है। कप्तान साहब ने उस मामले को ट्रांसफ़र कर दिया एसओजी को, परंतु जो मुकदमा कायम हुआ था उस समय की थाना पुलिस मिली हुई थी उससे, वादी से, और उसने अज्ञात मर्डर को खोलने के लिए आनन फानन में 5 लोगों को, जो निर्दोष लोग थे, उनको अरेस्ट करके उन पर बरामदगी दिखा के उनको जेल भेज दिया। 4 जनवरी से 20 जनवरी तक विकास और विजन के सपा के कार्यक्रम की कड़ी में फेथफुलगंज में कार्यक्रम किया गया। पूर्व शिक्षा मंत्री और पिछड़ा आयोग के रामाश्रय विश्वकर्मा ने सभा की अध्यक्षता की। कार्यक्रम में सपा कार्यकर्ताओं ने भाजपा की नीतियों की जमकर आलोचना की, साथ ही पूर्व शिक्षा मंत्री ने निखिल यादव को युवजन विधानसभा सभा अध्यक्ष बनाया। मुख्य रूप से प्रभारी डॉ. इमरान, पूर्व नगर अध्यक्ष चंदेश सिंह, बिल्लू वाल्मीकि और राहुल आदि ने हिस्सा लिया।
विकास विजन यात्रा जो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के नेतृत्व में आज छावनी विधानसभा क्षेत्र वार्ड नंबर 5 में हमारे सभी साथियों के साथ मिलकर कार्यक्रम किया और आज मुझे युवजन सभा की विधानसभा अध्यक्ष जी का भी काम सौंपा गया। इसके लिए मैं तहे दिल से माननीय प्रवीण सिंह बंटी यादव, युवजन सभा नगर अध्यक्ष प्रभारी डॉक्टर इमरान साहब, पूर्व नगर अध्यक्ष चंद्रेश सिंह जी का और प्रभारी राम आश्रय विश्वकर्मा जी का कोटि कोटि धन्यवाद देता हूँ। उन्होंने इस कार्यक्रम में आके इस कार्यक्रम को सफल बनाने का काम किया। ये जो कार्यक्रम है समाजवादी विकास और विजन कार्यक्रम जो कि 4 जनवरी से लेके 20 जनवरी तक पूरा चल रहा है, हम इसके तहत पिछड़ा दलित और अल्पसंख्यक समुदाय के बीच में जागरूकता लाने की, समाजवादी पार्टी के पक्ष में जागरूकता लाने का प्रयास कर रहे हैं। आज हमारे यहाँ के जो प्रभारी मंत्री हैं आदरणीय श्री राम आश्रय विश्वकर्मा जी, वो पूर्व नगर अध्यक्ष श्री चंद्रेश सिंह जी, नगर अध्यक्ष श्री मोइन खान जी और कार्यक्रम के जो संयोजक हैं श्री बंटी यादव जी जो युवजन सभा के अध्यक्ष हैं और कार्यक्रम के जो संयोजक हैं श्री निखिल यादव जी के सौजन्य से हम लोगों ने यहाँ पे कार्यक्रम किया है। जालौन जिले में अवैध शराब के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत जालौन पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। डकोर थाने के पुलिस टीम को गैर प्रांत की 240 अवैध शराब के साथ 3 शराब तस्कर गिरफ्तार किए हैं। पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अरविंद चतुर्वेदी ने पुलिस लाइन सभागार में प्रेस वार्ता करते हुए बताया कि मुखबिर की सटीक सूचना पर उरई राठ रोड पर वाहन चेकिंग के दौरान एक मैक्स पिकअप गाड़ी को रोका जिसमें तलाशी ली गई तो 240 पेटी गैर प्रांत के अवैध देशी शराब बरामद की गई। साथ ही 3 शराब तस्करों को भी गिरफ्तार किया गया है। पूछताछ में बताया गया कि ये लोग झांसी जनपद के एरच से मध्य प्रदेश की निर्मित देशी शराब खरीदते हैं और यहां लाकर ऊंचे दामों पर बेचा करते हैं। लोगों के पास देसी शराब के रैपर और सैकड़ों की संख्या में बोतल बंद करने के ढक्कन भी बरामद हुए हैं। अवैध शराब की बिक्री के विरुद्ध अभियान चलाया जा रहा है जिसमें आज थाना डकोर और हमारी जो विशेषज्ञ टीम है उन्होंने मिलकर एक कार्रवाई की जिसमें 240 पेटी शराब बरामद हुई है जो यहाँ की बिक्री के लिए मान्य नहीं थी। इसके अलावा नकली शराब बनाने के कुछ उपकरण और सामग्री भी बरामद हुए हैं जिसमें 3 लोगों की गिरफ्तारी हुई है और 2 अभियुक्त मौके से फरार हो गए हैं। जो फरार अभियुक्त के बारे में जानकारी प्राप्त हुई है अभी उसका गहरा आपराधिक इतिहास है, खास करके आबकारी के संबंध में कई मुकदमे हैं और ऑर्गेनाइज तरीके से वो उस पूरे इलाके में अवैध शराब का व्यापार करता है। और इसी बीच बड़ी खबर कानपुर से, जहां बर्रा के हिस्ट्री शीटर की मंत्री के साथ फोटो वायरल होने से मचा हड़कंप। कानपुर से बरा के हिस्ट्री शीटर की मंत्री के साथ फोटो वायरल होने से मचा हड़कंप। हिस्ट्री शीटर पवन सक्सेना जिला बदर होने के साथ साथ धोखाधड़ी लूट जैसे दर्जनों मामले में जा चुका है जेल। गोविंद नगर से आए स्वास्थ्य चिकित्सा मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह के साथ परछाई की तरह रहा अपराधी। कांग्रेस कार्यकर्ता से सरकार बनते ही बना बीजेपी का नेता। लंबा चौड़ा आपराधिक इतिहास है पवन और उसके भाई का। मंत्री के साथ मौजूद रही गोविंद नगर पुलिस ने भी नहीं किया पवन को गिरफ्तार करने का प्रयास। बड़ी खबर कानपुर से। बर्रा की हिस्ट्री शीटर की मंत्री के साथ फोटो वायरल होने से मचा हड़कंप। आपको बता दें ये हिस्ट्री शीटर पवन सक्सेना जिला बदर होने के साथ साथ धोखाधड़ी लूट जैसे दर्जनों मामलों में जेल जा चुका है। गोविंद नगर आए स्वास्थ्य चिकित्सा मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह के साथ आपको बता दें कि परछाई की तरह लगातार ये अपराधी। और इस खबर पर बात करने के लिए हमारे संवाददाता दीपक हमसे जुड़ चुके हैं। जी दीपक, जानना चाहूंगे जिस तरह से ये हिस्ट्री शीटर लगातार मंत्री जी के साथ दिखा, क्या कुछ बताएंगे आप इस पर? जी आपको बता दें पूरा मामला जो है वो कल का है जहां पर भाजपा के मंत्री आए थे, स्वास्थ्य मंत्री चिकित्सा मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह, उनकी परछाई की तरह ये अपराधी जो है बर्रा का हिस्ट्री शीटर, इसके साथ ही साथ जो ये अपराधी है वो दरबदर भी है। इसके
खिलाफ जो है लूट धोखाधड़ी जैसे दर्जनों मामले जो है वो दर्ज हैं और ये इन मामलों में जेल भी जा चुका है। ये स्वास्थ्य मंत्री के साथ में नजर आया, उनकी परछाई की तरह बिल्कुल। और सबसे खास बात ये रही कि गोविंद नगर पुलिस जो है वो साथ में रही, लेकिन उसके बाद भी कोई कार्रवाई देखने के लिए नहीं मिली है। जी बिल्कुल, जिस तरह से फोटो वायरल हो चुकी है, लगातार सभी ने देखा कि वो मंत्री जी के साथ बना रहा, क्या कुछ वजह रही जो गोविंद नगर पुलिस ने पकड़ने का गिरफ्तार करने का प्रयास नहीं किया? जी जैसा कि आपको बता दूं, गोविंद नगर पुलिस जो है वो बिल्कुल साथ में ही रही है, लेकिन किसी ने भी इसको पकड़ने की हिमाकत नहीं की, क्योंकि जो मंत्री हैं भाजपा सरकार के वो उनके साथ में थे और वो उनके साथ में था, इस वजह से किसी ने भी इसको पकड़ने की हिमाकत नहीं की। इसके साथ ही साथ आपको बता दूं, बहुत बहुत शुक्रिया मैम करने के लिए। जैसा कि बताया जा रहा है कि पकड़ने की हिमाकत नहीं की गई, हिमाकत ही होता अगर इन्हें पकड़ा जाता। खैर आगे बढ़ेंगे, आपको बता दें कि कानपुर से बड़ी खबर, जहां बर्रा की हिस्ट्री शीटर के मंत्री के साथ फोटो वायरल होने से हड़कंप मच गया है। हिस्ट्री शीटर पवन सक्सेना, आपको बता दें कि जिला बदर होने के साथ साथ धोखाधड़ी लूट जैसे दर्जनों मामलों में जेल जा चुका है और मंत्री जी के साथ मौजूद रही गोविंद नगर पुलिस ने भी पवन को गिरफ्तार करने का प्रयास नहीं किया। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आगे की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए जेएमडी न्यूज के साथ और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। आप देख रहे हैं जेएमडी न्यूज, आम जन की आवाज। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है जेएमडी न्यूज के खास कार्यक्रम स्वास्थ्य चेतना में। और आज स्टूडियो में मेरे साथ हैं डॉक्टर रविंद्र पोरवाल जी, जो कि भारत सरकार के आयुष बोर्ड के मेंबर भी हैं। और आज हम उनसे बातचीत करेंगे कि आखिर इस आधुनिक युग में हड्डियों की इतनी समस्याएं क्यों होती हैं, फिर चाहे वो बुजुर्ग हो, नौजवान हो या फिर बच्चे, हर वर्ग में ये परेशानी देखने को मिलती है। और आजकल के समय में हड्डियां हमारी आखिर क्यों इतनी कमजोर होती जा रही हैं, और इन्हीं सब बातों पर आज चर्चा करेंगे हम डॉक्टर साहब से। डॉक्टर साहब आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास कार्यक्रम में। डॉक्टर साहब, जैसा कि आज का हमारा विषय है कि आखिर हड्डियां इतनी कमजोर क्यों होती जा रही हैं, फिर चाहे वो किसी भी वर्ग के मैं इंसान की बात करूं, हर एक की हड्डियों में कमजोरी आती जा रही है। वो मजबूती जो पहले होती थी, अब कई बार ऐसा देखने को मिलता है कि जरा सी चोट लगी तो हड्डी टूट गई और डॉक्टर कारण बताता है कि बहुत कमजोर थी इस वजह से टूट गई। तो मैं चाहूंगी कि आप वो बात बताएं कि आखिर कैसे आज के समय में लोगों की हड्डियां इतनी कमजोर होती जा रही हैं। गरिमा जी, जो बच्चे हैं, जो कम उम्र में हड्डियों के विभिन्न समस्याओं और बीमारी से पीड़ित हैं, उन लोगों, ऐसे लोगों में इस बीमारी का एक बड़ा कारण है जंक फूड, फास्ट फूड जी। आज कोल्ड ड्रिंक का चलन, कॉफ़ी चाय का चलन एक सामान्य बात हो गई है। कई कई परिवार तो ऐसे हैं जहां बच्चे फ्रिज में कोल्ड ड्रिंक का बोतल रखा है, दिन में जितने बार इच्छा हुआ पी लिया। जंक फूड, फास्ट फूड एक बड़ा कारण है जी, जो हमारी मांसपेशियों के साथ साथ हड्डियों पर भी बहुत बुरा असर डालता है। जब ये स्थिति निरंतर बनी रहती है तो बच्चों में बोन डेंसिटी कम होती है, ऑर्थोपेडिक चेंजेज आते हैं, मस्कुलर इलास्टिसिटी कम होने लगती है और बच्चों को जोड़ और हड्डियों से संबंधित दिक्कतें होती हैं। जहाँ तक युवा वर्ग का सवाल है तो कानपुर की सड़कें बनती हैं, एक दो महीने तक बिल्कुल गड्ढा मुक्त रहते हैं और फिर नगर निगम ही उनको खोद के गड्ढे वाला बना देता है जी, और फिर 3-4 साल के लिए गड्ढे वाली रहती है। तो ये सड़कें जब व्यक्ति
टू व्हीलर से चलता है। युवा वर्ग में बड़ी संख्या में लोग टू व्हीलर का इस्तेमाल करते हैं, तो जो जर्क लगता है जब पहिया गड्ढे में जाता है तो बैकबोन कमर पर गर्दन पर एक झटका लगता है, घुटने और कूल्हे की हड्डी भी प्रभावित होती है। इस बीमारी का ये एक शुरुआती जनक है, धीरे धीरे जब ये स्थिति बनी रहती है इसके साथ अगर जंक फूड, फास्ट फूड, कोल्ड ड्रिंक जैसा आहार भी चलता रहा तो कुछ ही समय में युवा गर्दन का दर्द, कमर का दर्द, सर्वाइकल पेन, लंबर पेन, आर्थराइटिस जैसी परेशानी से जूझता है। और बूढ़े लोगों की बात करें, बूढ़े लोगों में जो हड्डियां कमजोर होती हैं उसका एक बड़ा कारण है विलासितापूर्ण जीवन। आप देखेंगे कि जो धनाढ्य परिवार हैं, जिन परिवारों में सुख सुविधाओं के सभी साधन मौजूद हैं, वहाँ जो सीनियर सिटीजन है, जो वृद्ध व्यक्ति है, वो शारीरिक श्रम नहीं करते, तो इसके कारण हड्डियों पर बहुत बुरा असर होता है, खा के सो जाते हैं, पाचन तंत्र बिगड़ता है जी। और धीरे धीरे वो हड्डियों की बीमारी से पीड़ित हो जाते हैं। यद्यपि ऐसा मानते हैं कि 50 साल की उम्र के बाद हड्डियों की बीमारियां तेजी से बढ़ती हैं, लेकिन अगर हम श्रम करते रहें, कुछ एक्सरसाइज करते रहें जी, कुछ यौगिक क्रियाएं करते रहें, तो इस बीमारी को नियंत्रण में रखा जा सकता है, इस बीमारी से बचा जा सकता है जी। डॉक्टर साहब, तो ये तो आपने कारण बताया कि आखिर क्या कुछ करना चाहिए, लेकिन मैं चाहूँगी कि आप कुछ वो सावधानियाँ बताएं, क्योंकि ढलती उम्र में कई बार देखने को मिलता है कि बुज़ुर्गों के या जो उम्र जब बढ़ती है तो उसके साथ साथ कमर दर्द, गर्दन दर्द और घुटनों में दर्द, ये ढलती उम्र के साथ ज़्यादा क्यों होता है और क्या सावधानियाँ रखनी चाहिए? देखिए गरिमा जी, गर्दन का दर्द आज युवा वर्ग की बड़ी समस्या है, विशेषकर ढलती उम्र में ये बीमारी अगर जकड़ लेती है तो फिर आसानी से पीछा नहीं छोड़ती जी। आपने चूंकि सावधानियां पूछी हैं तो मैं बताना चाहता हूं, अगर आपके गर्दन में दर्द है, MRI रिपोर्ट में अगर सर्वाइकल वर्टिब्राज में C3, C4, C5, सी का मतलब है सर्वाइकल रीजन की वर्टिब्रा, रीढ़ की हड्डी में सी माने सर्वाइकल रीजन की जो वर्टिब्रा, तो सर्वाइकल रीजन की 2 नंबर 2, 3, 4, 5 वर्टिब्राज में अगर इंटरवर्टिबल स्पेस है, उसके कारण गर्दन आगे झुकाने पर चक्कर आएगा, ऐसे लोगों को टू व्हीलर नहीं चलाना चाहिए। मैं तो ये सलाह दूंगा, ड्राइविंग चाहे टू व्हीलर की हो चाहे फोर व्हीलर की ना करें, क्योंकि गर्दन जब आगे झुकती है तो एकदम ब्लैकआउट हो जाता है, चक्कर आता है, एकदम अंधेरा छा जाता है, तो सामने वाले से टकरा सकते हैं, तो एक दुर्घटना की संभावना बढ़ जाती है। तो जिनके सर्वाइकल पेन है वो फॉरवर्ड बेंडिंग को अवॉइड करें, टू व्हीलर ना चलाएं, गड्ढे वाली जगह पर ना जाएं। मैं ये भी कहूँगा कि सीढ़ियाँ बहुत सजगता के साथ चढ़ें, ये एक मैकेनिकल डिसऑर्डर है जिसके लिए आप यौगिक क्रियाओं का अभ्यास करें, ये पूरी तरह ठीक हो जाएगा। लंबर पेन जिसको कमर का दर्द बोलते हैं, इसमें ज़्यादातर होता है L4, L5, L6 और S1 वर्टिब्राज के बीच में इंटरवर्टिबल स्पेस, ये गुड़िया डिसलोकेटेड हो जाती है, इसको सामान्य भाषा में स्लिप डिस्क भी बोलते हैं। तो ये भी बीमारी एक मैकेनिकल डिसऑर्डर है, इसमें फॉरवर्ड बेंडिंग को, आगे झुकने को अवॉइड करें, तख्त पर सोएं, तकिया भी ना लगाएं, और योगाभ्यास विशेषकर बैक बेंडिंग की यौगिक
आसन और यौगिक सूक्ष्म क्रियाएं बीमारी को पूरी तरह जड़ से ठीक कर देती हैं, बगैर किसी दवा के, बगैर किसी औषधि के। जी डॉक्टर साहब, तो ये तो आपने बताया कि किस तरीके की सावधानियां हमें बरतनी चाहिए और किस तरीके से हमें सावधान रखना चाहिए ताकि जो ढलती उम्र के साथ हड्डियों में दर्द होता है वो हमें ना हो। डॉक्टर साहब, आप पूछना चाहूंगी कि कई बार होता है कि हड्डियों में उठते बैठते वक्त चट चट की आवाज़ आती है, या कई लोग हाथों से अगर ऐसे मोड़ते हैं तो फिर चट की आवाज़ आती है, तो क्या वजह होती है, कहीं वो हमारी सेहत के लिए हानिकारक तो नहीं है? देखिए, हड्डियों से चट चट की आवाज़ आना जी ये सूचना देता है कि हड्डियों हमारे जॉइंट्स के बीच में एक पैड होता है, दो हड्डियों के बीच में मुलायम हड्डी होती है कार्टिलेज, और इसमें एक दोनों जॉइंट्स के बीच में एक लिक्विड भरा रहता है जिसको कहते हैं साइनोवियल फ्लूइड जी। ये जब हम विलासितापूर्ण जीवन जीते हैं, कोई व्यायाम नहीं, कोई एक्सरसाइज नहीं, कोई मूवमेंट नहीं, इसके बावजूद स्पाइसी रिच डाइट लेते हैं, तो ये साइनोवियल फ्लूइड का सिक्रीशन शरीर में कम हो जाता है। इसको सामान्य रखने के लिए केवल कोई औषधि नहीं है, केवल व्यायाम एकमात्र उपाय है, शारीरिक श्रम एकमात्र उपाय है। तो ये साइनोवियल फ्लूइड जब सूख जाता है तो हड्डियां आपस में रगड़ती हैं, जब आप जमीन पे बैठते हैं तो चट की आवाज़ होती है। बहुत बार बहुत से लोग जब तीन चार बार बैठ जाते हैं तो मुंह से डकार आती है, इसी को बात रोग कहते हैं। गांव में लोग कहते हैं उसको तो बात हो गया, माने फिर वो जीवन में ठीक होने का नहीं जी। लेकिन मैं ये विश्वास पूर्वक कहता हूँ कि आप कुछ आयुर्वेदिक औषधियों का सेवन करें, शरीर को हिलाएं डुलाएं, योगाभ्यास करें, श्रम करें, तो इस बीमारी से पूरी तरह निजात पा सकते हैं। लेकिन इसके साथ भोजन में सुधार आवश्यक। जी डॉक्टर साहब, तो आपने बड़ी ही अच्छी बात बताई है कि जो ये लोगों में भ्रम होता है कि आखिर चट-चट की आवाज़ किस वजह से आती है, तो कहीं ना कहीं उसका जो कारण है वो यही है कि स्पाइसी भोजन लेना और जंक फूड, ये सब ही हमारी हड्डियों के लिए बहुत नुकसानदायक है। केवल हड्डियों के लिए नहीं, हमारे पूरे स्वास्थ्य के लिए, हमारे शरीर और मन मस्तिष्क दोनों के लिए ये अच्छा नहीं है, हितकारी नहीं। जी डॉक्टर साहब, तो ये तो हड्डियों की बात हुई, लेकिन यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक का वक्त हो गया और ब्रेक के बाद भी हम इस हड्डियों के विषय पर चर्चा जारी रखेंगे। तो फिलहाल यहाँ पर वक्त एक छोटे से ब्रेक का, आप बने रहिए जेएमडी न्यूज़ के साथ। कुछ भी करें, आपकी परेशानी का होगा हल। बड़ा से बड़ा अपराध करें, हम उठाएंगे आपकी आवाज और उन्हें सजा न दी जाए। देखते रहिए पब्लिक फोरम सिर्फ जेएमडी न्यूज पर, डॉक्टर रमेश वर्मा के साथ। गॉसिप्स के गलियारों का हाल, फिल्मी सितारों की हर वो बात, पर्दे के पीछे की कहानी, हम लाएंगे सिनेमा की जुबानी सिर्फ खबर फिल्मी पर। देखिए शाम 4:30 बजे सिर्फ जेएमडी न्यूज पर। Thank you.
ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम स्वास्थ्य चेतना में। और आज स्टूडियो में मेरे साथ है डॉक्टर रविंद्र पोरवाल जी, और हम चर्चा कर रहे हैं कि आखिर अपनी हड्डियों को कैसे मजबूत बनाए रखें। डॉक्टर साहब, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर साहब, हम हड्डियों पे बात कर रहे हैं कि आखिर अपनी हड्डियों को कैसे मजबूत बनाए और ढलती उम्र में भी कैसे हमारी हड्डियाँ पहले की तरह पूरी तरीके से स्वास्थ्य मजबूत बनी रहें। तो मैं पूछना चाहूँगी कि अभी हम ब्रेक से पहले बात कर रहे थे कि जो चट चट की आवाज़ आती है, आपने कारण बताया, लेकिन अब मैं चाहूँगी कि आप उसका कुछ इलाज बताएं ताकि जो ये परेशानी से ग्रसित हैं जो लोग, वो इस समस्या से पूरी तरीके से निजात पा सकें। देखिए, साइनोवियल फ्लूइड की कमी के कारण ही जोड़ों से कट कट की आवाज आती है जी। अलसी अपने क्षेत्र में प्रमुखता से पैदा होने वाला एक अन्य अनाज जी। मैं सलाह दूंगा कि आप गर्मी और सर्दी का भेद ना रखें। बहुत से लोगों के मन में ये होता है कि अलसी केवल सर्दी में सेवन की जाती है जी। मैं इस भ्रांति को दूर करना चाहता हूँ। मैं आपको सलाह देता हूँ कि अगर आप अलसी 10 ग्राम रोज सुबह खाएंगे तो साइनोवियल फ्रूट, अलसी के अंदर ओमेगा 3 और ओमेगा 6 होता है, इसके अंदर जो तेल होता है ये शरीर के अंदर जाके साइनोवियल फ्रूट के सिक्रीशन को बढ़ा देता है, उसके प्रोडक्शन को बढ़ा देता है। लेकिन आपने चूंकि कंप्लीट इलाज पूछा है तो ये कट कट की आवाज तो इससे बंद हो जाएगी, लेकिन अगर हमें अपनी मांसपेशियों को मजबूत करना है, जो अब जैसे ये हड्डी है जी, कट कट की आवाज तो बंद होगी लेकिन ये मांसपेशियां कमजोर हैं, तो इसके लिए अश्वगंधा का चूर्ण, इसको अश्वगंध भी बोलते हैं, सभी बड़ी कंपनियों का ये चूर्ण पैकिंग में भी आता है। आप पंसारी के यहाँ से अश्वगंधा की जड़ लाके उसको कूट पीस के पाउडर बना सकते हैं जी। लेकिन अगर आपकी ऑस्टियोपोरोसिस है, हड्डियाँ अंदर से भुरभुरी हो रही हैं, हड्डियाँ कमजोर हो रही, उनकी डेंसिटी कम हो रही है, तो इसके लिए छुआरा। तो अगर आप ये नहीं जानते हैं कि आपको इनमें से क्या दिक्कत है या तीनों दिक्कत जी, मैं तो ये राय दूंगा कि आप इस विचार में ही नहीं पड़िए कि आपकी मस्कुलर इलास्टिसिटी कम है ज़्यादा। आपके अगर जोड़ों में दर्द है तो ये तीनों चीज़ें ले लीजिए। खाद्य पदार्थ हैं, तीनों महंगे नहीं हैं, सस्ते हैं, घरेलू उपचार है। 100 ग्राम अलसी को तवे पे या कढ़ाई में भून लीजिए और इसको मिक्सी में पीस के पाउडर कर लीजिए। इस 100 ग्राम अलसी के पाउडर में 100 ग्राम ही अश्वगंधा का या अश्वगंध का चूर्ण मिला के रख लीजिए। ये दवा तैयार हो गई। अब आप सुबह 2 चम्मच इस पाउडर को और शाम को 2 चम्मच गुनगुने दूध के साथ लीजिए। गर्मी में भी ठंडे दूध के साथ, तासीर गुनगुनी हो, जिनको बिल्कुल गुनगुना सूट नहीं करता है वो रूम टेम्परेचर का ले लें, लेकिन चिल्ड बिल्कुल नहीं। और इसी के साथ चबा चबा के 7-8 छुआरा खा लें। देखिए, छुआरा इस समय 70-80 रुपए किलो है, दालमोट से भी सस्ता है, दालमोट टमाटर के भाव है, सब्जी के भाव है, फल के भाव, तो खूब 4-5-6 छुआरे, जिन लोगों के दांत नहीं हैं वो छुआरे को कूट लें और मिक्सी में पीस के उसका पाउडर बना लें। जब कूटेंगे तो उसका बीज निकाल दें, गुठली, और उसको पीस के पाउडर बना लें और उसी में मिला लें सब चीज़ों को, और ये दूध के साथ सेवन करें तो ये साइनोवियल फ्लूट के सिक्रीशन को भी बढ़ाएगा, मसल्स को ताकत देगा, मसल्स की अकड़न को, जिनकी पीठ सुबह उसकी अकड़ जाती है ऐसे करके रहते हैं, फिर 10-5 कदम चलते हैं तब चलने लायक होते हैं, उसमें भी आराम करेगा। ये तो एक औषधि हो गया। अब ये तो दूध के साथ हो गया, एक उपाय और बताऊंगा। बिल्कुल बिल्कुल, कि अंकुरित मेथी, यहां भी कहना चाहूंगा, लोग बहुत से लोग राय देंगे मेथी तो बहुत गर्म होती, अगर अंकुरित हो गई मेथी तो इसकी तासीर
सामान्य हो जाती है, उस तासीर को सम शीतोष्ण कहते हैं, मतलब ना ठंडी है ना इसकी तासीर गर्म है। अंकुरित मेथी और अंकुरित गेहूं, अंकुरित मेथी के मुश्किल से ऐसा ना करिए कि एक कटोरी खा लीजिए, मेथी सब्जी में भी डाली जाती है तो 20-30 दाने डालें, आप 20-30 दाने अंकुरित मेथी को चबा चबा के खाइए और आधी कटोरी अंकुरित गेहूं चबा चबा के खा लीजिए, इसके ऊपर गाजर का रस या किसी फल का रस या दूध का सेवन कर लें। बस ये जोड़ों के लिए ही नहीं, आपकी इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए, आपके शरीर के अंदर विटामिन D3 की मात्रा को नॉर्मल रखने के लिए ये बहुत कारगर उपाय है। जिनको विटामिन D3 कम है, कैल्शियम कम है, वो इस रामबाण प्रयोग को करके देखें, उनका डॉक्टर हैरान रह जाएगा कि इतनी तेजी से, इतनी जल्दी, इतनी अच्छी रिकवरी कैसे हुई। यहाँ एक बात गरिमा जी और कहना, बिल्कुल बिल्कुल, कि ऐसे लोग जिनको जोड़ों का दर्द है, चाहे गर्दन का हो, चाहे कमर का हो, चाहे घुटने का हो, बादी चीजें, बात वर्धक, आयुर्वेद में ये बीमारी बात रोग कहा जाता है, तो आप बात वर्धक पदार्थ, बादी चीजें जैसे कटहल, कद्दू, बैगन, उड़द की दाल, इन सब का सेवन ना करें जी। चावल, दही, मट्ठा, इनका सेवन किसी भी रूप में ना करें जी। डॉक्टर साहब, तो ये तो बात हो रही थी हड्डियों के रोग की, आपने समाधान बताया, बहुत ही अच्छे घरेलू उपचार बताए, बहुत ही आसान उपचार बताए हैं जिसके माध्यम से हम अपनी हड्डियों को मजबूत बना सकते हैं। आपने बताया कि अलसी, अश्वगंधा और छुहारे जो हड्डियों के लिए हैं वो रामबाण की तरीके से काम करते हैं और बहुत मजबूत बनाते हैं। डॉक्टर साहब, अब पूछना चाहूँगी कि कई बार देखने को मिलता है कि अक्सर महिलाओं में ये समस्या मैंने ज़्यादा देखी है कि सोते वक्त उनकी हड्डी में बहुत तेज अचानक से एक दर्द सा उठता है और आम भाषा में उसे बकटी चढ़ना कहते हैं, तो आखिर ये क्यों हो जाता है कि अचानक सोते सोते आपके पैर में अचानक से मुड़ना बंद हो जाता है और फिर जब बाद में वो थोड़ी देर बाद सही भी हो जाता है, लेकिन आखिर ये क्यों होता है, मैं जानना चाहूंगी। देखिए, इसको मैं सामान्य भाषा में ही समझाता हूं। बिल्कुल, देखिए ये हड्डियां हैं हमारी जी, ठीक, हड्डी के ऊपर जो मांसपेशियां हैं यही तो मूवमेंट करती हैं। बिल्कुल बिल्कुल, हड्डियां सपोर्ट करती हैं, हड्डियां सपोर्ट, या ये कहें कि हड्डियों को सपोर्ट करने का काम मांसपेशी करती है। जैसे आपने इसको, इसमें कोई 1 kg वजन उठाया तो ये लोड बियरिंग कैपेसिटी है, ये मसल्स की है, ये मसल्स हमारी वजन को उठा रहे हैं। बिल्कुल, तो जो हड्डी होती है, जब हड्डी से डी कैल्शियम, हड्डी किसी न किसी फेविकोल से, ये मांसपेशियां उस हड्डी से जुड़ी हैं। बस ये फेविकोल जब कमजोर होता है तो ये हड्डी और मांसपेशी का, मस्कुलर लिगामेंट का जोड़ कमजोर होता है, और जब रात में सोते 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 अचानक ये मसल्स खींच जाती हैं ऊपर की तरफ, तब आदमी उठ के बैठ जाता है, करता है, हिलता है और फिर नॉर्मल हुआ, सो गया। कई लोगों को तो ये बीमारी बैठे बैठे होती, ऐसे बैठे ऐसे हो गए और ये विकराल रूप लेके जानलेवा हो जाती। इस बीमारी के समाधान की भी बात मैं करना चाहूँगा कि ऐसे लोग 1 मिनट 2 बाल्टी में पानी लें, एक में गरम, गरम में उतना गरम कि जो सहन हो सके, और एक में उतना ठंडा जितना सहन हो सकता हो, चिल्ड से कम लेकिन सामान्य ठंडे से ज्यादा। 1 मिनट तक दोनों पैरों को आप गर्म पानी में डालिए और 1 मिनट जो ही पूरा हो तुरंत दोनों पैरों को निकालिए और 30 सेकंड के लिए ठंडे पानी में डाल दीजिए, ठंडे पानी में डाल दीजिए और 30 सेकंड बाद फिर निकाल के गर्म पानी में डाल दीजिए। इस दौरान ऐसा 5 बार करिए, मतलब गर्म से ठंडे में, ठंडे से गर्म में 5 बार करिए। इससे ये ज़्यादातर लोगों को काफ में,
पिंडली में ऐसा होता है घुटने के नीचे, बिल्कुल बिल्कुल। तो जब आप 5 बार ऐसा करेंगे तो फिर आप आखिरी में गर्म से ही समाप्त करेंगे, शुरुआत गर्म से समापन गर्म से, बिल्कुल। इसके बाद आप पैर को पोंछ के ठंडी हवा से बचाएं। ऐसे लोग नमक का सेवन कम करें, चीनी का सेवन कम करें और फलाहार की मात्रा बढ़ाएं, पानी की मात्रा खूब बढ़ाएं, प्याज लहसुन और टमाटर को तल के फ्राइड करके ना खाएं, और खिचड़ी के साथ अचार, दही और पापड़, ये तीनों वर्जित हैं। अगर खिचड़ी आप साधारण रूप में खाएंगे तो 1 घंटे बाद भूख लगाएगी, लेकिन खिचड़ी के साथ दही खा लें तो जैसे खाना खाया था वैसे ही रहेगा, 3-4 घंटे भूख नहीं लगेगी, वो गरिष्ठ हो जाता है। तो ऐसा आहार में परिवर्तन करें। एक और आखिरी सुझाव कि जो फूल गोभी होता है ये हड्डियों के लिए बहुत अच्छा है, इसके अंदर विटामिन D3 होता है। आप फूल गोभी को अच्छी तरह साफ करके इसको सलाद के रूप में खाएं, बहुत हितकारी है, बहुत लाभकारी चीज है। जी डॉक्टर साहब, तो आपने बड़े ही घरेलू और आसान उपाय बताए हैं और बहुत ही आसान है, जिसको प्रयोग में लाकर हमारे दर्शक ज़रूर उससे कुछ ना कुछ लाभ उठाएंगे और जो अपनी हड्डियों की हमने उनकी बात की वो उनको स्वस्थ रख सकेंगे, मजबूत रख सकेंगे, ताकि उन्हें हड्डी से जुड़ी हुई कोई भी समस्या ना हो। डॉक्टर साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे स्टूडियो में आने के लिए और हमारे दर्शकों तक इतनी अच्छी और महत्वपूर्ण जानकारी पहुँचाने के लिए, भ्रम दूर करने के लिए और इतने घरेलू उपचार बताने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो दर्शकों फिलहाल आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही, मुझे यानी गरिमा को दीजिए इजाजत और आप लगातार बने रहिए जेएमडी न्यूज के साथ। नमस्कार। नमस्कार। इंडियन हिस्ट्री में पहली बार डेन का डिजिटली महाअवतार, अब आपके मोबाइल में होगा मनोरंजन का अनोखा संसार। गूगल प्ले स्टोर या iOS से डेन टीवी प्लस डाउनलोड करें और अपने मोबाइल को बनाएं चलता फिरता ऑन डिमांड टीवी, ढेर सारे चैनल्स, मूवी ऑन डिमांड, नॉनस्टॉप न्यूज एंड म्यूजिक, मींस फुल एंटरटेनमेंट, कुछ भी कहीं भी। जब आपके मोबाइल में होगा डेन टीवी प्लस, फिर तो ऐश ही ऐश है बस। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गरिमा और आप देख रहे हैं जेएमडी न्यूज की खास पेशकश कानपुर मेट्रो, सपना या हकीकत। नेता अगर कोई वादा करता है तो उस पर पहले से ही संशय रहता है कि आखिर वो पूरा होगा भी या नहीं, और अगर पूरा होगा तो आखिर कब। और एक ऐसा ही वादा प्रदेश की पिछली सरकार में कानपुर वासियों से किया गया था। कानपुर वासियों को समाजवादी पार्टी ने एक ख्वाब दिखाया था कि शहर में मेट्रो ट्रेन चलेगी और इसके लिए DPR भी तैयार हो गया और एक कंपनी ने काम करना भी शुरू कर दिया, लेकिन कुछ ही दिन बाद कंपनी ने काम करना भी बंद कर दिया और जिसके बाद संशोधित DPR तैयार कर फिर से कार्य शुरू करने के लिए तैयारियां कर ली गईं। जनवरी 2019 में प्रोजेक्ट का हर हाल में सिविल कार्य शुरू होना तय किया गया, लेकिन अभी तक ये कार्य शुरू नहीं हुआ। अगर जनवरी में कानपुर मेट्रो के स्टेशनों का निर्माण शुरू नहीं हुआ तो 18,342 करोड़ की इस परियोजना पर ही संकट हो जाएगा। देखिए ये खास रिपोर्ट। इस तरह से कानपुर में ये काम चल रहा है उससे खामियां ही खामियां नजर आ रही हैं। हकीकत ये है कि अभी तक इस परियोजना की केंद्र से ही लिखित मंजूरी नहीं मिली है। साल 2018 के जून महीने में ही शहरी विकास मंत्रालय ने सैद्धांतिक सहमति जताई थी, तब ये कहा गया था कि वित्त मंत्रालय की कमेटी इस परियोजना को स्वीकृति देगी, इसके बाद ही इसके लिए प्राथमिक तौर पर बजट का आवंटित किया जाना था। सच्चाई ये भी है कि इस परियोजना में विदेशी निवेश भी तभी संभव है जब वित्त मंत्रालय से इसकी मंजूरी मिल जाए। शहरी विकास मंत्रालय ने वित्तीय मंजूरी के लिए वित्त मंत्रालय के लोक निवेश बोर्ड को प्रस्ताव भेजा था, इस पर कुछ हुआ ही नहीं।
पॉलिटेक्निक में 2.25 साल से बन रही दीवार। राजकीय पॉलिटेक्निक में मेट्रो की दीवार 2.25 साल से बन रही है। हकीकत ये भी है कि अभी भी दीवार का निर्माण पूरा नहीं हो पाया है। यहाँ के छात्रावास और जमीन का भी अभी तक कोई निर्धारण नहीं हो सका। पॉलिटेक्निक की शिफ्टिंग के संबंध में भी कोई निर्णय नहीं हुआ। एक तरह से यूं कहें कि अगर पॉलिटेक्निक प्रबंधन ने क्लेम कर दिया तो मेट्रो की स्थानीय टीम ये दावा नहीं कर सकती कि दीवार उसकी है। वजह ये है कि जमीन की सुपुर्दगी ही अधिकृत तौर पर नहीं हुई। दिसंबर 2017 में संशोधित फाइनल डीपीआर तैयार की गई। जनवरी 2018 में राज्य सरकार से प्रोजेक्ट को मिली मंजूरी। अप्रैल 2018 में अंतरिम कंसल्टेंट की नियुक्ति हुई। अप्रैल 2018 में सिविल कार्यों के लिए आर्किटेक्ट की तैनाती की गई। मई 2018 में केंद्र से प्रोजेक्ट को मिली मंजूरी। जून 2018 में मेट्रो के पहले फेज के लिए हुआ टेंडर। अगस्त 2018 में फाइनल कंसल्टेंट की नियुक्ति हुई। जनवरी 2019 में सिविल कार्यों के निर्माण का प्रारंभ होना तय हुआ। जनवरी 2024 में कानपुर मेट्रो का संचालन होना तय हुआ। आपको जानकर हैरानी होगी कि मेट्रो परियोजना को लेकर लगभग 1.5 साल से यहां कोई प्रशासनिक बैठक तक नहीं हुई। जिला प्रशासन की मॉनिटरिंग कमेटी ही निष्क्रिय नजर आती है। राजकीय पॉलिटेक्निक परिसर में बन रहे यार्ड के मुद्दों को निपटाने में भी उच्चाधिकारियों ने रुचि नहीं दिखाई। अब टेंडर निरस्त किए जाने से नया संकट खड़ा हो चुका है। अगर नए टेंडर होते हैं तो भी टेक्निकल बिट और फाइनेंशियल बिट की जांच में ही 3 महीने निकल जाएंगे। अब इस प्रोजेक्ट की स्थिति का आसानी से अंदाजा लगाया जा सकता है कि इसका भविष्य क्या होगा। ब्यूरो हेड अभिलाष वाजपेयी की रिपोर्ट। तो हमारी इस खास पेशकश में बस इतना ही। आगे की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए जेएमडी न्यूज और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। नमस्कार, जेएमडी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ हुमा आलम। आज हम बात करेंगे बोर्ड परीक्षाओं की, कि परीक्षार्थी किस तरह से परीक्षा की तैयारी करें, क्या कुछ सावधानियां बरतें और कैसे अच्छे अंक लाएं। शुरुआत करते हैं रसायन विज्ञान से, जिस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ बीएनएसडी इंटर कॉलेज से 2 मेहमान जुड़ चुके हैं, जहाँ शैलेंद्र द्विवेदी जी के स्वागत करते हैं हम, जो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पर चर्चा करेंगे। इसके अलावा बी सिंह का स्वागत करते हैं, जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पर हमारे साथ चर्चा करेंगे। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। शैलेंद्र जी, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि बोर्ड परीक्षाएं नज़दीक हैं, किस तरह से बच्चे परीक्षा की तैयारी करें, इस बार जो परीक्षा का पैटर्न है क्या कुछ बदलाव हुआ है उसमें? देखिए उमा जी, बोर्ड परीक्षा 2019 चूँकि NCERT पैटर्न पर पूरी तरह से आधारित हो गई है, तो अब बच्चों के सामने एक सबसे बड़ी बात यह है कि कैसे तैयारी करें, पहला प्रश्न आपका यह है। तो इसमें सबसे बड़ी आवश्यकता है समय प्रबंधन की। तो छोटा से छोटा समय भी उन्हें अपने सभी विषयों के लिए निर्धारित करना पड़ेगा। और रसायन विज्ञान का चूंकि मैं प्राध्यापक हूँ, इसलिए अन्य विषयों पर भी मैं कहना चाहूँगा कि चूँकि अब तो 100 नंबर के सभी पेपर हैं, मतलब जितने मार्क्स हैं वो सभी के बराबर हैं, सभी को बराबर बराबर उन्हें ले करके रखना है और सभी के लिए बराबर समय निकालना है। लेकिन फिर भी फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, ये जो अपने विज्ञान विषय हैं, इनमें प्रायः बच्चे अधिक समय देते ही हैं। तो ऐसे में समय प्रबंधन का होना बहुत ज़रूरी है बच्चों के लिए। यदि समय प्रबंधन करेंगे तो मानसिक तनाव जो उन पर आता है, परीक्षा के पहले का जो तनाव हुमा जी आता है, उससे वो बच के रहेंगे और उनकी तैयारी बेहतर हो सकेगी। जी बिल्कुल, जैसे कि आपने बात कही समय प्रबंधन पी, तो छात्रों में इस बात को लेकर कहीं ना कहीं भ्रम रहता है कि जो कुछ सब्जेक्ट हैं, जैसे केमिस्ट्री की ही बात कर ली जाए, तो उस पर किस तरह से समय दिया जाए, इस बार क्या कुछ पैटर्न है, तो किस तरह से इस पर तैयारी करें? समय का ऐसा है कि देखिए, बच्चे जिस प्रकार से विषय को लेते हैं उसी प्रकार से उन्हें समय देने की भी आवश्यकता है।
कुछ जगहों पर ऐसी भ्रांति बच्चों के बीच में रहती है जिन्हें समझ में नहीं आई केमिस्ट्री या रसायन विज्ञान पूरे वर्ष भर उन्होंने पढ़ा और बहुत अच्छे से वो अध्ययनरत नहीं रह पाए उस विषय में, उन्हें समझ में नहीं आया। तो ऐसे छात्रों के लिए रसायन विज्ञान को तैयार करने का अलग तरीका है और जो वर्ष भर पढ़ता आया और जिसके समझ में भी आ रहा है उसके लिए पढ़ने का बिल्कुल अलग तरीका है। मैं आपको बताऊं, दोनों प्रकार के छात्रों को इससे सीख लेने की जरूरत है क्योंकि परीक्षा में हर कोई योद्धा बनकर के अब उतरने वाला है। तो ऐसे में यदि विद्यार्थी को रसायन विज्ञान पसंद है तो आप जानिए कि निश्चित रूप से वो समझ करके पढ़ रहा है और समझ करके पढ़ने वाले के लिए कम समय में अधिक सिलेबस पाठ्यक्रम कवर कर लेना ये प्रायः उस छात्र की आदत होती है। और जबकि जो विद्यार्थी जिसे रसायन विज्ञान उतना रुचिकर नहीं लगता उसके लिए रटने वाला सब्जेक्ट है। जी बिल्कुल शैलेन जी, जानना चाहेंगे कि इस बार क्या पैटर्न है परीक्षा का? परीक्षा के पैटर्न में आप समझिए कि एनसीईआरटी जो पूर्व में सीबीएसई जिस प्रकार से परीक्षा कराता है अपने रसायन विज्ञान की, सीबीएसई बोर्ड उसी प्रकार से यूपी बोर्ड ने भी पैटर्न को अपने लिया हुआ है। पैटर्न में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि सभी यूनिट्स को, जितनी भी यूनिट्स सिलेबस में मौजूद है चाहे वो फर्स्ट पेपर में चाहे सेकंड पेपर की हो, उन यूनिट्स में डिविजन है मार्क्स का और ये तय है कि किस चैप्टर से कितने मार्क्स के लगभग क्वेश्चन आएंगे। इसमें बहुत कोई फेरबदल नहीं होता है, प्रायः होता ही है कि जितने मार्क्स तय होते हैं उतने ही मार्क्स का न्यूमेरिकल प्लस थ्योरी जो भी उसका अवेलेबिलिटी है चैप्टर में वो पूछा जाता है। तो इसी हिसाब से बच्चों को तैयारी करनी पड़ेगी। मार्क्स का आधार देखें कि मार्क्स किस चैप्टर के ज्यादा है, किसी यूनिट के ज्यादा है, उसको उतना ही अधिक समय देने की आवश्यकता है। जी बिल्कुल, इस बार बताया जा रहा है कि वन पेपर सिस्टम है तो किस तरह से छात्र थ्योरी की तैयारी करें या किस तरह से वो प्रयोगात्मक परीक्षा की तैयारी करें? प्रयोगात्मक परीक्षाएं उमा जी आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि प्रायः संपन्न हो चुकी हैं सभी जनपदों में, प्रदेश भर के समस्त जनपदों में प्रयोगात्मक परीक्षाएं संपन्न हो चुकी हैं। इसलिए अब इसका लोड जो है, इसका भार विद्यार्थियों पर से हट गया है। अब उन्हें केवल और केवल अपनी तैयारी सैद्धांतिक परीक्षा की ही तैयारी करनी है और उस सैद्धांतिक परीक्षा की तैयारी में जैसा कि मैंने बताया आपको चैप्टर यूनिट वाइज है सब कुछ और सबके मार्क्स तय हैं अपने बिल्कुल, तो इन मार्क्स के आधार पर निकालें। जैसे कई सारे चैप्टर्स ऐसे हैं जिनमें न्यूमेरिकल मतलब आंकिक गणनाएं भी मौजूद हैं और थ्योरी का पार्ट भी मौजूद है, तो ऐसे में उनके कॉम्बिनेशन से उन मार्क्स को निकालना है। और ये सारे जितने ऐसे चैप्टर्स हैं जिनमें थ्योरी भी मौजूद है और न्यूमेरिकल भी मौजूद है, ये मार्क्स गेन करने वाले यूनिट्स हैं। ऐसे में एक उदाहरण के तौर पर मैं आपको बताता हूँ कि एक पी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं जो ग्रुप 15, 16, 17 और 18, ये जो पीरियोडिक टेबल है अपनी उसमें ग्रुप 15, 16, 17 और 18 इन चारों को लेकर के पी ब्लॉक का एक चैप्टर एलिमेंट्स का बनाया गया है और इसमें से 7 नंबर के प्रश्न पूछे जाने, 7 मार्क्स हाईएस्ट मार्क टेकर ये चैप्टर है, ये यूनिट है अपनी। तो अब इस यूनिट से, लेकिन इसमें न्यूमेरिकल नहीं है, तो ऐसे में यूनिट बहुत बड़ी है लगभग 4 चैप्टर के बराबर समराइज करके इसमें मटेरियल रखा गया है, तो ऐसे में इसको तैयार करने में समय जरूर लगेगा लेकिन ये थ्योरेटिकल है और इसमें समय भी अधिक देना पड़ेगा तैयार करने के लिए, बार बार रिवीजन चाहिए। इसमें बच्चे अगर इसको छोटे छोटे पार्ट्स में तैयार करेंगे, पी ब्लॉक एलिमेंट्स में अगर ग्रुप 15 का है तो ग्रुप 15 के एलिमेंट्स निकाले, उसके बनने वाले कंपाउंड्स निकाले, उनकी प्रॉपर्टीज, उनके रिएक्शंस, इन सबको बार बार प्रैक्टिस अगर कर लेते हैं और उनके उनसे बनने वाले कंपाउंड्स उनकी प्रॉपर्टीज, तो आप समझिए कि अलग अलग पार्ट में तैयार करने से अच्छे मार्क्स गेन कर सकते हैं। जी बी सिंह जी, आपसे जानना चाहेंगे कि किस तरह से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की तैयारी की जाए और उसमें किस तरह से अच्छे मार्क्स लाएं छात्र? हां जी, एक्चुअल केस में तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या होता है, इसमें रिएक्शंस बहुत ज़्यादा होती हैं, अभिक्रियाएँ काफ़ी होती हैं और अभिक्रियाओं को एक्चुअल बच्चे क्या करते हैं, उनको याद करने की कोशिश करते हैं फिर भूल जाते हैं, बच्चे बार बार याद करते हैं फिर भूल जाते हैं। तो बढ़िया तरीका ये है जितनी रिएक्शंस आप याद करें, रिपीट करें, बार बार मन में रिपीट करें, या मान लो आपने एक बार रिएक्शन को पढ़ ली है फिर उसको दोबारा सोते समय याद करें या लिख के याद करें आप, तो मेरा मानना है कि आप रिएक्शन बहुत जल्दी आप याद कर सकते हैं। और ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एक ऐसा सब्जेक्ट है ऑर्गेनिक का, इसमें क्या है कि अक्सर भूलने को भूल हम लोग भूल जल्दी जाते हैं, बच्चे भूल जाते हैं, तो भूलने का तरीका यही है आप मैक्सिमम जितनी बार अभिक्रियाओं को आप या रिएक्शंस को जितनी बार आप रिपीट करेंगे याद करेंगे आप उतना ही ज़्यादा मार्क्स लेने की कोशिश करेंगे। जी, जैसा कि आपने कहा कि अभिक्रियाओं को बच्चे भूल जाते हैं, तो क्या लगता है कि इसमें थ्योरी इस तरह से होती है कि उसको पढ़कर बच्चे पास हो सकें, पास होने भर के अंक ला सकें? नहीं मैडम, इसमें थ्योरी भी है, थ्योरी के अलावा के मेन डिपेंड रिएक्शंस होती है इसमें ज़्यादातर। मान लो कोई गैस है, मान लो कोई
एल्कोहल है या ईथर है या एसीटोन है, बहुत सारी गैसें हैं। तो डिपेंड मैन, ये कोई गैस है तो गैस डिपेंड मैन होती है अभिक्रियाओं पर है। तो जितनी आप रिएक्शन याद करो मैक्सिमम, क्योंकि इसमें केमिकल प्रॉपर्टी बहुत सारी पूछी जाती है, साथ में केमिकल प्रॉपर्टी पूछी जाएगी आपसे। तो वह मेरा मानना है कि आप जितनी बार मैक्सिमम रिएक्शंस को बार बार याद करोगे तो आप ज़्यादा बेटर अंक ला सकते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल है, मान लो कोई गैस एसीटोन आ गई एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में पूछ ली आपसे, तो आप उस गैस को कैसे लिखें आप? तो गैस एक लिखने के कई तरीके हैं। आप उसी गैस को या उस जो आपसे एग्जाम में पूछा गया, बोर्ड एग्जाम में आपसे पूछी गैस है, उस गैस को आप क्यों ना आप उसको कई स्टॉप में तोड़ दो, उसको कई स्टॉप में आप पहले उसको आप अपनी बना लो रूपरेखा कि हमको इस गैस को इतने स्टॉप में पूरी करनी है। जैसे मान लो एसीटोन आपसे पूछा एग्जाम में, तो आप पहला उसका केमिकल रिक्वायरमेंट क्या है उस गैस का, मान लो पहला स्टेप आता है कि इनिशियल केमिकल रिक्वायरमेंट, हम उस गैस का निर्माण करने के लिए हमको ये चाहिए, पहला स्टेप पूरा करते बच्चे ने आपने। फिर सेकेंड स्टेप केमिकल इक्वेशन, उसकी जो रिएक्शन आप जो गैस आपसे पूछिए बोर्ड एग्जाम में उसकी केमिकल इक्वेशन आपको उसको लिख दो आप। फिर उसके बाद में जो आपके चित्र होता है, फिगर होता है, वो बनाना पड़ेगा आपको। फिर नंबर चार मेथड, विधि क्या उसकी, वो आपको शो करना है। उसके बाद में फिर उसके कुछ रिएक्शन पूछी जाती हैं केमिकल प्रॉपर्टी के, इस गैस की कौन कौन सी केमिकल प्रॉपर्टी हैं, तो उनको भी आप बोर्ड जो बोर्ड में पूछेगा आपसे एक या दो कुछ या तीन रिएक्शन वो आपको लिखनी है। फिर उस गैस के यूज क्या हैं वो आपको शो कर दो उसमें। तो इस तरह जो जो गैस करीब आपसे बोर्ड एग्जाम पूछी गई है, करीब 5-6 स्टेप में आप उसको लिखने की कोशिश करोगे तो एक बहुत अच्छा मैटर जाएगा मैसेज आपका, जो एग्जामिनर कॉपी चेक करेगा कि बच्चे ने बहुत अच्छी गैस लिखी है, करीब 6 स्टेप में या 7 स्टेप में आपने उस गैस को लिखने की कोशिश की है। तो उससे क्या है आपका एक जो कॉपी का जो एक लिखने पैटर्न तरीका है वो और क्वेश्चन पर भी प्रभाव डालता है लिखने के लिए। जी बिल्कुल, जानना चाहेंगे कि जैसा कि आपने कहा कि इसमें गैस होती है, तो केमिस्ट्री में कई सारी गैस अलग अलग तरह की होती हैं, वन पेपर सिस्टम है, तो क्या कुछ निर्धारित की गई हैं किस तरह से बच्चे गैसेस को, जैसे कि आपने कहा कि इस तरह से बच्चे तैयार कर सकते हैं, तो कौन कौन सी ऐसी गैसेस रखी गई हैं इस बार के पैटर्न में जिन्हें बच्चे आसानी से तैयार कर सकें? मैडम गैस तो कई हैं, बहुत सारी हैं, जैसे एल्कोहल है, मेथिल एल्कोहल है, एथिल एल्कोहल है, एल्डिहाइड है, फॉर्मल्डिहाइड, एसीटाल्डिहाइड है, और एसीटोन है, इसके बाद में और आपका क्लोरोफॉर्म गैस है अच्छी, और उसके बाद में फिर आपका एक चैप्टर बहुत अच्छा माना जाता है जैवणु बायोमोलिकुल्स, वो काफ़ी थोटिकल मैटर है, उसको भी आप अच्छी तरह तैयार करोगे तो उसमें भी बहुत अच्छे अंक ला सकते हैं आप। उसके बाद में आपका एक चैप्टर आता है आपका ये जैवणु के बाद में एक चैप्टर आता है आपका ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। जानना चाहेंगे कौन से जो महत्वपूर्ण सवाल होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? ऑर्गेनिक में न्यूमेरिकल पोर्शन तो लगभग ना के बराबर होता है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ऑर्गेनिक में न्यूमेरिकल पोर्शन तो लगभग ना के बराबर है, सब थ्योरेटिकल या प्लस रिएक्शंस सारी पूछी जाती है एग्जाम में। शरण जी आपसे जानना चाहेंगे कि कौन कौन से महत्वपूर्ण सवाल होते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में? मां जी मैं आपको एक तो बता दूं कि आपका एक प्रश्न के साथ में एक सेंटेंस रहता है वन पेपर सिस्टम, तो हम लोग एक तो इस तरीके का डिस्ट्रीब्यूशन जो हम लोग कर रहे हैं उसमें एक तो हम लोग ये तय कर लें कि बच्चे कतई ये कन्फ्यूज ना हो कि इनमें कोई पेपर्स आने वाले हैं ना, तो वो इस तरीके का डिस्ट्रीब्यूशन होगा। डिस्ट्रीब्यूशन होगा तो वो मार्क्स के आधार पर होगा, और जो मैंने बताया कि आपको जिस यूनिट के जितने मार्क तय किए गए उतने का पूछा जाएगा। जैसे आपने अभी बी सिंह जी से डिस्कस किया कि कौन सी गैसेस हो सकती हैं, कौन से कंपाउंड्स हो सकते हैं, तो जो भी कंपाउंड्स हमारे इन कोर्सेज में आ रहे हैं, अब उन्होंने एक सेट पैटर्न बताया कि स्टेप वाइज तैयार करना है हम लोगों को। स्टेप वाइज तैयारी में जैसे इनऑर्गेनिक हो या ऑर्गेनिक हो, अगर कोई कंपाउंड आ रहा है तो हम लोगों को पहले नंबर पर बच्चों को यह बता देना है कि कोई भी कंपाउंड अगर वो रिप्रेजेंट करने जा रहे हैं उसके प्रिपरेशन, उसकी प्रॉपर्टीज और उसकी मेकिंग पर जा रहे हैं तो उसके पॉइंट्स तय कर लें, वो उन पॉइंट्स के अकॉर्डिंग ही काम करें। जैसे रही बात इक्वेशंस की, तो इक्वेशंस ना तो इनऑर्गेनिक और ना ऑर्गेनिक दोनों में कम नहीं है, इक्वेशंस दोनों जगह, लेकिन ऑर्गेनिक में इक्वेशंस की इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है। उसकी इंपॉर्टेंस केवल इस बात के लिए ज्यादा है कि ऑर्गेनिक में इंटरकन्वर्जेंस जो इक्वेशन पर बेस्ड होता है, एक समीकरण दूसरी समीकरण की मदद कर रही है, दूसरी तीसरी की मदद कर रही है, और ऐसे 4-5 समीकरणों के बुने हुए जाल से एक इंटरकन्वर्जन उत्पन्न हो रहा है, एक कंपाउंड से दूसरे कंपाउंड को प्राप्त करना जिसे हम लोग बोलते हैं, दैट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट पॉइंट इन ऑर्गेनिक एंड केमिस्ट्री। ये इनऑर्गेनिक में भी है, इंटरकन्वर्जन दोनों जगह पर है, लेकिन ऑर्गेनिक में इसकी इंपॉर्टेंस अधिक है। ऐसे ही एक बहुत बड़ा हिस्सा है कैसे प्राप्त करेंगे इसको, इंटरकन्वर्जन को ऐसे भी पूछा जा सकता है,
कि आप किसी कंपाउंड से दूसरा कंपाउंड कैसे प्राप्त कर सकते हैं। जी शैलन जी, जानना चाहेंगे क्योंकि समय अब कम बचा हुआ है परीक्षाओं में, तो कौन कौन से इम्पोर्टेंट जो सवाल हैं वो परीक्षार्थी अच्छे से याद करें, तैयार करें और सावधानियां बरतें। दो तीन बातें देखिए, पूरी ऑल ओवर केमिस्ट्री में ध्यान देने की ज़रूरत है। जैसा कि हमारे बी सिंह भाई साहब ने भी बताया कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो न्यूमेरिकल का हिस्सा है बहुत कम है। मैं पॉइंट आउट कर रहा हूँ, मैं आपको पहला न्यूमेरिकल का हिस्सा है परसेंटेज ऑफ कार्बन हाइड्रोजन नाइट्रोजन, इनसे रिलेटेड एक प्रतिशत संरचना का एक सवाल आ सकता है, या तो मूलानुपाती सूत्र के रूप में पूछा जाएगा या अण सूत्र के रूप में पूछा जाएगा, या एक बिहेवियर ऑफ इक्वेशन दे करके उस सवाल को पूछा जा सकता है। पहला न्यूमेरिकल ये ऑर्गेनिक से जुड़ा हुआ हो सकता है। ऑर्गेनिक के ही हिस्से में पहली यूनिट है सोल्यूशन, जैसे हम लोग विलयन कहते हैं, विलयन से रिलेटेड क्वेश्चंस का आना लाजमी है, बिल्कुल पेपर में आता ही आता है हाल में। अब है क्या विलयन में, विलयन में विलयन की सांद्रता को व्यक्त करने की तमाम सारी विधियां हैं, नॉर्मैलिटी है, मोलारिटी है, मोलालिटी है और प्रतिशत सांद्रता है, तमाम सारे प्रकार की सांद्रताओं को व्यक्त करने की विधियां हैं और इनके आपसी रिलेशंस हैं जिनसे न्यूमेरिकल नॉर्मैलिटी और मोलारिटी इन सब कॉन्सेंट्रेशन बेस्ड आते हैं। ये तो इसका हिस्सा हुआ प्रॉपर। अब आ जाइए अगर इनऑर्गेनिक जिसे आप बोल रहे हैं, एक्चुअली में वो इनऑर्गेनिक ना होकर के सामान्य और अकार्बनिक रसायन है, जनरल एंड इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है। तो उसमें जो पहले दो हिस्से हैं जिन्हें हम लोग जानते हैं, एक तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है उसका हिस्सा विद्युत रसायन, और एक दूसरा है केमिकल थर्मोडायनेमिक्स से जुड़ा हुआ रासायनिक बल गतिकी जिसे हम लोग बोलते हैं। तो रासायनिक बल गतिकी और दूसरा हिस्सा जो मैंने बताया आपको विद्युत रसायन, दोनों से ही न्यूमेरिकल आ सकता है और न्यूमेरिकल छोटे आते हैं इनमें। भाई जो ऑर्डर है अभिक्रिया की कोटि से जुड़ा हुआ प्रश्न आ सकता है, अभिक्रिया की सांद्रता की दर से संबंधित छोटा सा प्रश्न आ सकता है, ऐसे ही हमारे विद्युत रसायन में इलेक्ट्रोड पोटेंशियल से जुड़े हुए छोटे बड़े प्रश्न आ सकते हैं, ये सेल से जुड़े हुए प्रश्न आ सकते हैं। इन क्वेश्चंस को न्यूमेरिकल में यहाँ पर तैयार करना होता है। छोटे छोटे प्रश्न इनऑर्गेनिक और जनरल में पूरे केमिस्ट्री में जुड़े हुए हैं। केवल दो तीन चैप्टर्स को अगर आप जाने दें, जैसे पी ब्लॉक एलिमेंट्स के बारे में मैंने बात करी थी सबसे पहले, ऐसे ही डी और एफ ब्लॉक एलिमेंट्स भी हैं। ये सारे के सारे ब्लॉक एलिमेंट्स, इनकी प्रॉपर्टीज, इनमें न्यूमेरिकल कथा ही नहीं है, ये थ्योरी के पार्ट्स हैं और इनमें थ्योरी की तरह ही इन्हें बिहेव करना है हम लोगों को। न्यूमेरिकल के पार्ट्स जिनमें हैं उनको मैंने आपको गिनाया, उनमें जो न्यूमेरिकल है भी, जैसे एक बहुत बड़ा पार्ट है जिसका मैंने अभी तक नाम नहीं लिया, अब लेने जा रहा हूं, आवर्त सारणी। तो आवर्त सारणी का इसमें पूरी केमिस्ट्री में अहम रोल है। अहम रोल इसलिए है क्योंकि अगर आप एलिमेंट के विषय में ही पूरी जानकारी नहीं रख रहे हैं तो आप इनऑर्गेनिक क्या, ऑर्गेनिक क्या और जनरल केमिस्ट्री क्या, सभी में कुछ नहीं कर सकते। उस बेसिक नॉलेज को अपने साथ लगातार रखें तो निश्चित रूप से सफलता प्राप्त होगी। जी बी सिंह जी, आपसे जानना चाहेंगे, यही सवाल रहेगा, संक्षेप में बताइए कि कौन कौन से महत्वपूर्ण सवाल रहेंगे छात्रों के लिए उसमें। और ओरल केमिस्ट्री में तो एक चैप्टर बहुत अच्छा है, उपसैसी यौगिक, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, इसमें से आपके आईपीएस में बहुत पूछे जाते हैं। दो पिछले कई साल से मैं देख रहा हूँ मैं पेपरों में जो पैटर्न बोर्ड का है उसमें आईपीएस ने में और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के वो आपसे बहुत पूछे जाते हैं। तो बच्चे कम से कम उनकी तैयारी अच्छी तरह करें कि और आईपीएस ने में बच्चा अच्छी तरह उनको सीख ले कम से कम, तो कम से कम दो या तीन नंबर का वहाँ से बच्चों को मिलेगा, डेफिनेट मिलेगा वहाँ से। बातों का सिलसिला जारी रहेगा, मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। बहुत कमजोर हैं। कुछ भी खाते हैं इनके तन को लगता ही नहीं। इन्हें एनर्जिक 31 दीजिए। एनर्जिक 31? जी हाँ, तंदुरुस्ती और ताजगी के लिए एनर्जिक 31 कैप्सूल।
सर्व जातीय 16वां सामूहिक विवाह समारोह का भव्य आयोजन, जहां होगा 51 बहनों का शुभ विवाह। 3 फरवरी 2019 रविवार को प्रातः 9 बजे से सायं 5 बजे तक मोतीझील लॉन कानपुर में आप सभी सादर आमंत्रित हैं। आयोजक श्री सुनील ब्रह्मचारी, जय बाबा योगेश्वर सेवा समिति। कानपुर में सभी ब्यूटीज और टियरीज के लिए सिंघम फिल्म्स लेकर आए हैं एक सुनहरा मौका, दीवा क्राउन 2019। ऑडिशंस 20 जनवरी सुबह 11 बजे से शाम 5 बजे तक @KD Palace कानपुर। जानकारी के लिए संपर्क करें इन नंबर्स पर